अगर आपका एज 45 साल है तो अब आप कोरोना वैक्सीन लगा सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियो पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। COVID-19 वैक्सीन लगाने के लिए आपको इस पेज पर आना पड़ेगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अपने आसपास के जगह को देखने के लिए यहाँ पर लोकेशन वाले जो क्लिक करेंगे एड्रेस पे और आपके आसपास में जो भी COVID-19 का जो भी है एड्रेस वो यहाँ पे सर्च होके आ जाएगा। आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये एड्रेस ओपन होके आ जाएगा। अब आपके आसपास में इसमें से जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पर आपको जाना होगा। इस एड्रेस पे जाने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। तो अपॉइंटमेंट बुक कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ रजिस्टर जो ऑप्शन यहाँ पे रजिस्टर साइन इन योरसेल्फ, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने में न्यू टैब यहाँ पे ओपन होकर आ जाता है। अब सबसे पहले यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ गेट OTP पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो डाल के आपको सबमिट करना है। यहाँ पे आप जो भी नंबर डालेंगे वो कस्टमर को शो नहीं होगा। यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, देखिए मेरे नंबर में यहाँ OTP आ गया है। यहाँ पे OTP डाल के आप वेरीफाई वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप OTP डालते हैं तो आपके सामने में ये जो है इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पे पहले क्या करना है, जिसका भी वैक्सीन लगवाना है उसका यहाँ पे फोटो ID डालेंगे, इस वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और पेंशन बुक यहाँ पे आपको अपलोड करना है। NPR, स्मार्ट कार्ड और वोटर ID आपको जो भी हो इसमें से आपको डाल देना। जैसे हम यहाँ आधार कार्ड पर भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आधार कार्ड आ गया। अब यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, नाम डालेंगे और यहाँ पे जेंडर चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल के रजिस्टर वाले पे क्लिक करेंगे। आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर आप एक से आदमी को जो वैक्सीन लगवाने के लिए ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड मोर पर जाके इसको ऐड कर सकते हैं। शेड्यूल देखने के लिए यहाँ शेड्यूल पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा आदमी को वैक्सीन लगाना है तो यहाँ पे ऐड मोर वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं फिर जिसको वैक्सीन लगाना है उसका यहाँ आप फोटो ID प्रूफ डालेंगे तो इस वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके जो भी ID प्रूफ है वो आपको यहाँ पे डाल दें। यहाँ आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन और इसी तरीके से वोटर ID, NPR, स्मार्ट कार्ड आपको डाल देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको फोटो ID नंबर डाल देना है, नेम डालना है, जेंडर चूज करना है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल के यहाँ पे ऐड वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वो जो है ऐड हो जाएगा। यहाँ पे शेड्यूल देखने के लिए शेड्यूल वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये है इसका शेड्यूल यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे देखिए कि अपॉइंटमेंट का जो ऑप्शन है यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे वैक्सीन लगाने के लिए सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है इसमें एक बार में 4 आदमी को ऐड कर सकते हैं तो यहाँ पे शेड्यूल अपॉइंटमेंट वाले पे क्लिक करेंगे तो इस वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे इस वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको जो भी एरिया का पिन कोड है वो पिन कोड आप यहाँ पे डालेंगे तो आपका जो भी एरिया का पिन कोड है इसमें आपको अपना पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ सर्च वाले पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए अपॉइंटमेंट का जो भी डेट है इसमें आपका आ चुका है। यहाँ पर देखिए कि CHC बांसोपट्टी नियुक्ति, इस तरीके से यहाँ पर आपका ऑप्शन आ चुका है। तो इसमें से आप कोई भी डेट एक चूज कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। तो इस वाले पे क्लिक करेंगे, डेट वाले पे क्लिक करेंगे। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए यहाँ जो है 100 लिख रखा है, इस पे वाले पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि आपका पूरा एड्रेस यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पर नाम आ चुका है, यहाँ पर आपका रेफरेंस ID आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ बोल रहा है सेलेक्ट टाइम स्लॉट, यहाँ पे आफ्टरनून या फोर आफ्टरनून या आफ्टरनून आप कब जाना चाहते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, मतलब सुबह में जाना चाहते हैं या दोपहर में जाना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे टाइम स्लॉट चूज कर लेना। चलिए हम यहाँ पे 4 नून पे क्लिक करते हैं। 4 नून पे क्लिक करने के लिए यहाँ कन्फर्म वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पे स्लॉट कन्फर्म हो चुका है, यहाँ पर देखिए अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप यहाँ पे आपका जो है मैसेज भी आ चुका है यहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए।
तो यहाँ पे देखिए कि आप यहाँ से इसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। आपका ये पूरा जो है एड्रेस आ चुका है और यहाँ पे आपका कौन सा डेट बुक किए हैं वो डेट यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद टाइम कितना बजे चूज किए हैं, मॉर्निंग में चूज किए हैं वो आ चुका है यहाँ फोरनून पे। इस तरीके से यहाँ पे नाम आ जाता है, यहाँ पे रेफरेंस आईडी, यहाँ पे आपका फ़ोटो आईडी, आधार कार्ड है, और इस तरीके से यहाँ पे पूरा आ जाता है। आपको वैक्सीन लगवाने के लिए जब जाइएगा तो आपको जो ये आईडी दिए हैं, फ़ोटो आईडी, आधार कार्ड, ये आप जो भी दिए रहिएगा वो आपको जो है वैक्सीन सेंटर पे लेके जाना होगा। तब अब वहाँ पे आपका जो है वैक्सीन जो है कोरोना वायरस 19 का जो है वैक्सीन वो आपको वहाँ सेंटर पे लग जाएगा। सो इस तरीके से आप वैक्सीन लगवाने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीके से हम कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।